Alright everyone, so continuing with the functions, next we have a very simple but yet important functions, and that is called as the polynomial function. I think ये class 9th में ही आपने पढ़ लिया था, फिर 10th में पढ़ा और 11th में especially बहुत ही खास second degree polynomial जिसको तुमने quadratic equation करके पढ़ा था, वो बहुत important था, it is also a polynomial function. Okay, so एक बार थोड़ा सा recall करते हैं और कुछ नया है तो हम इसमें add करें. First of all डेफिनेशन को देखो, सेल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ दिस टाइप a नॉट x की पावर n, a1 x की पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन. यहाँ पे क्या है, हमारे पास x की डिफरेंट पावर्स हैं और जो पावर्स हैं कंडीशन ये है कि दीज पावर्स मस्ट बी सम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स और यू कैन से सम होल नंबर्स एंड इफ दिस कोफिशिएंट्स a नॉट a1 an आर रियल देन वी कॉल इट अ रियल पॉलीनोमियल. ऑल्दो दिस कैन बी इमेजिनरी बट हमारे सिलेबस में सिर्फ रियल पॉलीनोमियल्स है तो इसलिए हम सिर्फ रियल कॉफिशियंट लेके ही पढ़ेंगे. ठीक है, नाउ इफ ए नॉट इज नॉट इक्वल टू जीरो देन ऑब्वियसली दिस एन इज द हाइएस्ट पावर एंड द हाइएस्ट पावर ऑफ एक्स इन दिस एक्सप्रेशन विल डिफाइन इट्स डिग्री. देन वी से दैट द डिग्री ऑफ दिस पॉलीनोमियल इज एन. ऑलराइट, आगे देखते हैं. अब अगर तो ये एन है आपका जीरो, ठीक है, देन आर फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू सम ए नॉट. क्लियर, अब ए नॉट एक कॉन्स्टेंट है तो देन वी हैव दिस फंक्शन एज कॉन्स्टेंट फंक्शन. ठीक है, हम इसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट फंक्शन. ये हमेशा एक ही कॉन्स्टेंट वैल्यू देगा ए नॉट. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूं कि y इक्वल्स टू टू, सो ये आपका एक कॉन्स्टेंट फंक्शन है. x आप कुछ मर्जी रखो, हमें हमेशा आउटपुट पे क्या मिलने वाला है, टू ही मिलने वाला है. और कॉन्स्टेंट फंक्शन का अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो बड़ा सिंपल सा ग्राफ है, आपकी एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आएगी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज सम पॉइंट टू एंड दिस इज वाई इक्वल्स टू टू. ठीक है, यही अगर आपका वाई इक्वल्स टू माइनस वन है तो आपकी लाइन यहां पे आ जाती है. अगेन स्ट्रेट लाइन वाई इक्वल्स टू माइनस वन, कॉन्स्टेंट फंक्शन क्या है, वाई इक्वल्स टू माइनस वन और एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस वन. ओके, नेक्स्ट अगर ये डिग्री टू है, जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि ये तुमने बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं, हम थोड़ा सा रिकॉल करेंगे. इफ सॉरी इफ n इक्वल्स टू वन देन वी हैव y इक्वल्स टू सम a नॉट x प्लस a वन. अब ये आपका क्या बन गया, एक लीनियर एक्सप्रेशन बन रहा है. ठीक है, लीनियर एक्सप्रेशन अगेन इसकी क्वेश्चन कैसी आती है, स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन क्लास 11th में पढ़ा था. बस ये है कि जरूरी नहीं है कि ये अब ये हॉरिजॉन्टल नहीं होगी. ठीक है, या तो आपकी कुछ इस तरह की होगी, ऑब्वियसली पॉजिटिव स्लोप है तो इस केस में आपका ए नोट क्या होगा, पॉजिटिव. और अगर इस तरीके की है तो इस केस में ए नोट क्या होगा, नेगेटिव. दोनों केसेस में जैसे कि हम फंक्शंस पढ़ रहे हैं तो हम डोमेन रेंज का ध्यान रखते हैं. ठीक है, यहां पे क्योंकि ये कांस्टेंट है तो एक्स कुछ मर्जी रख सकते हैं, इसकी डोमेन क्या ऑल रियल है. यहां पे भी देखा जाए तो एक्स क्या है, ए नॉट एक्स प्लस वन, एक्स कुछ मर्जी रखो रियल नंबर है तो ये एक्सप्रेशन एक रियल नंबर बन के आ जाएगा. तो वाई रियल मिल रहा है, दैट मीन्स की एक्स कुछ भी रियल है तो डोमेन अगेन ऑल रियल है. इसकी अगर मैं रेंज की बात करूं, इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज में सिर्फ एक ही एलिमेंट है टू, तो ये तो एक कॉन्स्टेंट रेंज दे रहा है, कॉन्स्टेंट वैल्यू दे रहा है आउटपुट में विच इज टू. यहां पे रेंज की बात करूं तो ऑब्वियसली आप ग्राफिकली देखोगे तो ये लाइन आपके इधर माइनस इन्फिनिटी से जा रही है और ऊपर प्लस इन्फिनिटी तक, तो यहां पर जो रेंज है वो क्या बन रही है, ऑल रियल. चाहे आप इस लाइन को देख लो, अगेन ये ऊपर माइनस से प्लस इन्फिनिटी से नीचे माइनस इन्फिनिटी तक जा रही है, तो हमारी दोनों केसेस में दिस व्हेन डिग्री इज वन रेंज क्या बन रही है, ऑल रियल. ठीक, नाउ व्हेन एन इक्वल्स टू टू, जब एन इक्वल्स टू टू है आपका तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी या क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को बोलूंगा इस बार, ए नॉट एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू. ठीक है, बहुत ही ज्यादा फैमिलियर हो आप इस एक्सप्रेशन से. ठीक है, अगर मैं ग्राफिकली बात करूं तो दो केस बनते हैं. अगर आपका ए नॉट पॉजिटिव है तो ये कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन बनता है. ठीक है, ये एक वर्टेक्स होती है, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको अच्छे से याद रखने हैं. क्या था, अगर ये ए एक्स स्क्वायर था, आपको सी फॉर्म में याद होगा, बी एक्स प्लस सी, तो ये कितना होता है, माइनस बी अपॉन टू ए कॉमा माइनस डी अपॉन फोर ए. दैट इज यहां पे जो मिनिमम वैल्यू मिल रही है वाई की वो कितनी मिल रही है, माइनस डी अपॉन फोर ए. और ये वाला ऊपर कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक. तो अगर मैं यहां पे डोमेन की बात करूं, डोमेन तो ऑल रियल, अभी भी एक्स कुछ मर्जी रखो ये एक्सप्रेशन रियल बन के आएगा हमेशा हमारे सामने.
रेंज की बात करूं तो रेंज क्या है, ये माइनस डी अपॉन फोर ए से प्लस इंफिनिटी तक, तो रेंज अब कुछ और डियर नहीं है, मिनिमम वैल्यू मेरे को मिल रही है माइनस डी अपॉन फोर ए और ऊपर आपका प्लस इंफिनिटी तक जा रहा है। यही अगर आपका नेगेटिव हो जाता है ए नॉट तो ये डाउनवर्ड बच जाता है, ठीक है। अगेन ये वर्टेक्स कोऑर्डिनेट्स सेम रहते हैं, दैट इज कि यहां पे वाई अगेन कितना मिलेगा माइनस डी अपॉन फोर ए, बट ये नीचे कहां तक जा रहा है माइनस इंफिनिटी तक, तो डोमेन अभी भी और रियल है, रेंज क्या बन गई माइनस इंफिनिटी से माइनस डी अपॉन फोर ए, मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है माइनस डी अपॉन फोर ए। तो मैं ये कह लूंगा कि रेंज वैल्यू ऑल रियल नहीं है, अभी भी रेंज जो है एक बहुत बड़ा सेट है माइनस इंफिनिटी से लेके इस वैल्यू तक आ रहा है, बट ऑल रियल नहीं है, एक सबसेट बन के आ रहा है ऑल रियल का, ठीक है। तो इसको आगे देखेंगे कि क्या करना है। नाउ दिस इज टिल डिग्री टू, जैसे हम आगे बढ़ते हैं एंड डिग्री थ्री, उसको पूरे डिटेल में हमने आगे समझाना है, बट पहले फिलहाल छोटा सा देख लो कि जब डिग्री थ्री बन रही है तो आपका क्या क्या केस बन सकते हैं, पॉसिबल चीजें क्या बन रही है। नाउ व्हेन एन इक्वल्स टू थ्री हमारा एक्सप्रेशन बनता है ए नॉट एक्स क्यू प्लस ए वन एक्स स्क्वायर प्लस ए टू एक्स प्लस ए थ्री। अब क्यूबिक का जो ग्राफ है वो आपका एक पॉसिबल केस है कि कुछ एक ही रियल रूट हो और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा हो, ठीक है, एक ही रियल रूट हो और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा फिर माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। दूसरा पॉसिबल केस है कि आपका कुछ इस तरह का बन जाएगा, ठीक है। अब रूट कितने हैं इसकी जो कंडीशन है वो हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए जो पॉसिबल ग्राफ्स हैं, ए नॉट अगर पॉजिटिव है तो या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा या तो कुछ इस तरह का बनेगा, सेम अगर ए नॉट अगर आपका नेगेटिव हो जाता है तो या तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा या फिर कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये पॉसिबल केस है, दिस इज देन ए नॉट इज नेगेटिव एंड दिस इज देन ए नॉट इज पॉजिटिव। ध्यान से देखो इंपॉर्टेंट है, डोमेन तो ऑल रियल है, अब ये या तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक ऐसे जा रहे हैं या फिर ऐसे कुछ घूम के जा रहा है, फर्क नहीं पड़ रहा, हम इसकी रेंज पे ध्यान दे रहे हैं फिलहाल के लिए कि ये रेंज अगेन कितनी बन रही है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। इस केस में भी क्या बन रहा है, ये प्लस इंफिनिटी से डिक्रीज कर रहा है बस माइनस इंफिनिटी पे, अगेन प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी पे। तो व्हेन डिग्री इज थ्री रेंज क्या बन रही है ऑल रियल। अब थोड़ी सी चीजों को जोड़ते हैं, ठीक है, जैसे हमने देखा कि डिग्री वन थी तो रेंज क्या थी ऑल रियल थी, डिग्री टू हुई तो रेंज ऑल रियल नहीं हुई, एक सबसेट बना ऑल रियल का, जैसे डिग्री थ्री हुई वापस से रेंज क्या बन गई ऑल रियल। मैं थोड़ा सा और आगे एक्सप्लेन करूं तो अगर तो डिग्री वापस फोर हो जाएगी तो आपकी जो रेंज है फिर से ऑल रियल नहीं बनेगी, कुछ सबसेट बनेगा रियल का, ठीक है। सो वेन एन इक्वल्स टू फोर, वैसे जो एक्सप्रेशन बन रहा है छोड़ो उसको, मैं अगर सिंपल एक्सप्रेशन की बात करूं आप एक एग्जाम्पल ले एक्स की पावर फोर, ठीक है, फोर्थ डिग्री का पॉलीनोमियल है तो आपको पता है कि इसका ग्राफ कैसा बनता है, कुछ इस तरीके का क्वाड्रेटिक की तरह, ठीक है। हमें पता है कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है जीरो और मैक्सिमम कितनी है प्लस इनफिनिटी। यही अगर y इक्वल्स टू एक्स की पावर माइनस फोर होता तो ये डाउनवर्ड हो जाता, उस केस में क्या होता माइनस इनफिनिटी से जीरो तक आता। अगेन रेंज की बात करो तो ऑल रियल नहीं बन रही है, या तो माइनस इनफिनिटी से जीरो या तो जीरो से इनफिनिटी, सो आपकी जो रेंज है इज ए सबसेट ऑफ ऑल रियल, ठीक है। तो रेंज से रिलेटेड हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, अब हम इसको एक तरह से अच्छे से नोट कर लेते हैं, ठीक। सो नोट डाउन रिगार्डिंग पॉलीनोमियल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट सबसे पहले कि डोमेन की बात करूं, दैट डोमेन ऑफ पॉलीनोमियल्स इज आर, सबकी डोमेन तो ऑल रियल है, ठीक है। रेंज की बात करूं तो दो केस बन रहे हैं, व्हेन डिग्री इज ऑड तो रेंज क्या है ऑल रियल है, ठीक है। व्हेन डिग्री इज इवन देन
domain range is a subset of R. ये कुछ मिनिमा से इंफिनिटी या कुछ माइनस इंफिनिटी से एक मैक्सिमा पे जा रहा है उस केस में. सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला है इसके रिगार्डिंग. ठीक है, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट नोट करने वाली पॉइंट है ये, रूट्स के बारे में अगर बात करें तो कितने रियल या नॉन रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं. ऑब्वियसली जितने डिग्री है पॉलीनोमियल की उतने रूट्स होंगे, बट वो टोटल रूट्स होते हैं उसमें रियल और नॉन रियल दोनों मिलाकर. और अगर हम रियल रूट्स की बात करें तो उसमें हमें पता है कि द ग्राफिकली दोज पॉइंट्स वेयर द एफ एक्स कट्स द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एज द रियल रूट. ठीक है, सब में अलग अलग केसेस हैं, पर ऑब्जर्व अगर तुमने किया है अभी तक, आप थोड़ा इसको वापस जाके देखना कि अगर हमारा फंक्शन माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी तक जा रहा है कौन से केस में, दैट इज ऑड डिग्री के केस में, तो ऑब्वियसली एक्स एक्सिस को कम से कम एक बार तो कट करेगा. ठीक है, कम से कम एक बार तो कट करेगा ही करेगा. और तो डिग्री अगर इवन है जैसे कि क्वाड्रेटिक होगी या फिर बाई क्वाड्रेटिक होगी तो उस केस में जरूरी नहीं है कि रियल रूट कोई ना कोई मिले. ठीक, वो आपको पता ही है, क्वाड्रेटिक को तो बहुत अच्छे से आप जानते हो. बट फिर से इफ डिग्री इज ऑड, ठीक है, तो मैं ये बोलूंगा कि ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल्स has at least one real root. ठीक, हमें बताइए ये माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी जा रहे हैं तो कम से कम एक बार तो कट कर रहे हैं एक्स एक्सिस को. ओके, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू बी नोटेड, हमारे पास ना एक बहुत ही स्पेशल पॉलीनोमियल है, पॉलीनोमियल जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं. कंडीशन क्या है हमारी, कंडीशन ये है इफ एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन अपॉन एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन अपॉन एक्स, देन सच काइंड ऑफ पॉलीनोमियल कम्स आउट टू बी 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n. ठीक है, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला जो पॉलीनोमियल है वो आपका कुछ इस तरीके का निकल के आता है. इसके अगर मैं प्रूफ की बात करूं तो होप थोड़ा सा लंबा चौड़ा सा रहेगा, आप ट्राई करना, चलो होमवर्क की तरह कंसीडर करो, यू जस्ट ट्राई इट एज ए होम. हम कल इसको डिस्कस करेंगे इसके प्रूफ को कि अगर पॉलीनोमियल है एक फंक्शन है, एक्सप्रेशन है, कोई भी कंसीडर करके उधर एक एग्जाम्पल लेके वेरीफाई नोट कर लेना, तो अगर इस तरीके का है तो इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं तो वो कुछ इस तरीके का निकल के आएगा. ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे बेस्ड काफी चीजें आगे हमारे देखने को मिलेंगी. छोटा सा है, बड़ा सिंपल सा है, बट ये नहीं है कि इसको इग्नोर या लाइटली लेके चलना है. ठीक है, क्योंकि कभी कभी ये चीजें ऐसी बीच में एक बड़े क्वेश्चन के बीच में छोटे से पार्ट में बिल्ड करके आती है कि वहां पर फिर हम इसको दिमाग में अगर नहीं आएगा कि ऐसा भी कुछ होता है तो फिर प्रॉब्लम होती है, फिर आगे हम बढ़ नहीं पाएंगे. ठीक है, तो मेरा ये एक्सपीरियंस कहता है कि छोटी सी चीज है भले बट लाइटली ना ले, सीरियसली लो. जैसे पॉलीनोमियल आता है और ऐसी कुछ कंडीशन बनती हुई नजर आती है तो दिमाग में आना चाहिए कि हाँ ये इस तरह का कोई पॉलीनोमियल बन रहा है, या फिर कन्वर्स में अगर पॉलीनोमियल अगर इस तरह का है हमारे सामने तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता होगा. ओके, हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं पॉलीनोमियल्स पे, उसकी डोमेन रेंज कुछ देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे. क्लियर, सो लेट्स सी. ओके, सो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं. ठीक है, गिवन एफ एक्स इज सम पॉलीनोमियल, यू नीड टू फाइंड आउट द पॉलीनोमियल. पहली चीज ये है, इट सेटिस्फाइज दिस कंडीशन एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन अपॉन एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन अपॉन एक्स, एंड अलॉन्ग विद वी आर गिवन दिस दैट एफ ऑफ 10 इज इक्वल्स टू 1001. ठीक है, साफ दिख रहा है वैसे आपको, बहुत आसान है. अगर एक पॉलीनोमियल है और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता तो वो कैसा होगा, एफ एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स की पावर एन प्लस वन एन. यहाँ पे आपको पता क्या होता है, होल नंबर है. ठीक है, अब दो केस हैं, ये अगर आपका फंक्शन है कुछ ऐसा एक्स की पावर एन प्लस वन, अब इस कंडीशन का यूज करते हैं, हमें गिवन है एफ ऑफ 10 कितना 1001, और यहां से अगर मैं x की पावर n, सो बेसिकली
10 की पावर n प्लस 1 इक्वल्स टू 1000 को ब्रेक करके अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो क्लियरली नजर आ रहा है कि n कितना आपका 3, बस मिल गया आपको फंक्शन। तो fx कितना होगा, दैट इज x क्यूब प्लस 1, वो माइनस वाला यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो रहा है, बट फिर भी अगर आपको देखना है तो आप देखो ध्यान से कि वो क्यों नहीं है। दूसरे केस में y क्या था, माइनस का x की पावर n प्लस 1 और y ऑफ 10 जो कि हमारा 1001 है, इस केस में अगर मैं देखता हूं तो माइनस 10 की पावर n प्लस 1 इक्वल्स टू 1001, ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे क्या मिल गया, माइनस 10 की पावर n इक्वल्स टू 1000, ये तो एक नेगेटिव नंबर है, ये पॉजिटिव है, इसको रिजेक्ट करके हमारा एक ही आंसर बनता है, कौन सा, fx equals to x। Next we have algebraic functions. ये कुछ ऐसे functions हैं जिनको तुम रोज देख रहे थे, बस तुम्हें पता नहीं था कि algebraic functions हैं। So formal definition की बात करूं, तो algebraic functions are the functions which are obtained by applying algebraic operations on polynomials. क्या पॉलीनोमियल्स पे कुछ एल्जेब्रिक ऑपरेशंस अप्लाई करो, लाइक ऐड कर रहे हैं, सबट्रैक्ट कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, स्क्वायर रूट ले रहे हैं, क्यूब रूट ले रहे हैं, तो ये सारे ऑपरेशंस अप्लाई करता हूं किन पे, पॉलीनोमियल्स पे। तो जो नए फंक्शंस बन के आ रहे हैं वो आपके एल्जेब्रिक फंक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, लेट्स से सिंपल ये एक्स का रूट ले लिया, एक्स क्या है डिग्री वाला पॉलीनोमियल, इसका रूट ले लिया, दिस इज एल्जेब्रिक फंक्शन। सिमिलरली एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब रूट अगर ले लूं, अंदर पॉलीनोमियल है, क्यूब रूट ले लिया, अलजेब्रिक फंक्शन है। ठीक है, नाउ एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स एड कर लिया, चलो एक्स क्यूब से डिवाइड कर दिया, अगेन एग्जांपल ऑफ अलजेब्रिक फंक्शंस। तो ज्यादा वो नहीं है खास, इस तरह के जो फंक्शंस बन रहे हैं वो आपके अलजेब्रिक फंक्शंस हैं। हाँ, एल्जेब्रिक में एक स्पेशल आपका जो फंक्शन आता है वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज कॉल्ड एज रैशनल फंक्शन। ठीक है, बेसिकली रैशनल फंक्शंस आर एल्जेब्रिक फंक्शंस, और यू कैन से ऑल ऑफ दीज आर व्हाट, पॉलीनोमियल्स, नो आई एम सॉरी, पॉलीनोमियल्स को हम एल्जेब्रिक बोल सकते हैं, बट एल्जेब्रिक को पॉलीनोमियल नहीं बोल सकते। ठीक है, तो चलो मैं बात कर रहा था रैशनल फंक्शन, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ऐसा फंक्शन है जो दो पॉलीनोमियल्स को डिवाइड करके मिल रहा है। ठीक है, तो रैशनल फंक्शन आर एक्स ऑफ द टाइप सम एफ एक्स अपॉन जी एक्स, वेयर एफ एक्स एंड जी एक्स आर पॉलीनोमियल्स, ये आपके पॉलीनोमियल्स हैं। तो पॉलीनोमियल डिवाइडेड बाय पॉलीनोमियल इज रैशनल फंक्शन। ठीक, अगर मैं इसकी डोमेन की बात करूं, पॉलीनोमियल्स की डोमेन ऑल ओवर होती है। ठीक है, तो न्यूमरेटर में कोई टेंशन नहीं है, बस क्योंकि एक डिनोमिनेटर में आ गया तो एक ही चीज का ध्यान रखना है कि डोमेन के लिए जस्ट मेक श्योर कि जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, जहां पे जी एक्स आपका जीरो हो रहा है वो वैल्यू इसको निकाल दो, बाकी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, रेंज निकालने के लिए अगर मैं बात करूं तो एज इट इज कोई स्पेसिफिक मेथड तो नहीं है, बट कुछ छोटे छोटे मेथड्स को हम फॉलो कर सकते हैं, या फिर जो हमने रेंज में कुछ पॉइंट्स की बात करी थी उनको फॉलो करेंगे, और अगर ये थोड़े कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं तो फिर हमें कैलकुलस के कुछ हायर कंसेप्ट्स को यूज करना पड़ सकता है। हम थोड़ा डिस्कस करते हैं, एग्जांपल लेते हैं, डोमेन और रेंज को देखेंगे। ठीक है, चलो एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ, बड़ा सिंपल सा पॉलीनोमियल रैशनल फंक्शन, लेट्स से y इक्वल्स टू 1 अपॉन x ले लिया मैंने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, बार बार आपके सामने आएगा, है क्या, ऊपर कॉन्स्टेंट फंक्शन यानी कि डिग्री जीरो का पॉलीनोमियल और नीचे एक्स यानी कि डिग्री वन का पॉलीनोमियल, तो पॉलीनोमियल बाय पॉलीनोमियल। ठीक है, साफ दिख रहा है, इसकी मैं अगर डोमेन की बात करूं तो ये एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, तो एक्स मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो, बाकी और कोई भी रियल हो जाए। बात करते हैं इसकी रेंज की, रेंज के लिए आप क्या कर सकते हो, एल्जेब्रिकल मेथड फॉलो कर लो। चलो वाई इक्वल्स टू 1/x है तो एक्स इक्वल्स टू 1/y, अब x क्योंकि कुछ रियल नंबर है तो x को रियल होने के लिए अगेन आपका y क्या होना चाहिए, y मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो, तो बस रेंज मिल गई, ऑल रियल एक्सेप्ट जीरो। इसका ग्राफ देख लो जो आसानी से, ठीक है, ये आपको पता है वैसे ये क्या है, y इक्वल टू x और xy इक्वल टू 1, तो xy इक्वल टू कॉन्स्टेंट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जैसे x जीरो आया तो क्या बन जाएगा ये इन्फिनिटी, और फिर ये ऐसे डिक्रीज करेगा इस तरीके से। ठीक है,
तो ये आपका स्टैंडर्ड सा ग्राफ है इसका, विच इज y इक्वल्स टू 1 अपॉन x का, दिस पॉइंट इज 0, ये ऊपर इंफिनिटी पे चला गया और इंफिनिटी पे ऑब्वियसली फिर 0 को टेंड कर गया। ठीक, याद रखना इसका ग्राफ y इक्वल्स टू 1 अपॉन x का। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल भी जिक्र करते हैं। Let's see, मैं next ले लेता हूं y plus 2 x plus 1 upon x। अगेन क्या है आपका, अब डिग्री वन अपॉन डिग्री वन आ गया, पॉलीनोमियल का पॉलीनोमियल। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो मेरे को कुछ ऐसा लग रहा है, ठीक है, ये कितना है 1 plus 1 upon x, ये तो आपने देखा ही था, बस इसमें क्या होगा 1 एड हो गया। ठीक है, बात करते हैं डोमेन की, डोमेन अभी क्या है, ये जीरो नहीं होना चाहिए, बस एक ही चीज है कि x मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। एंड लेट्स टॉक अबाउट रेंज, रेंज भी देखो ध्यान से, मुझे पता है इसकी रेंज क्या थी, ऑल रियल एक्सेप्ट 0। अब इसको देखूं तो ये और इसमें सिमिलैरिटी आप ढूंढ सकते हो, अगर मैं रेंज निकालने का सिंपल मेथड ढूंढ रहा हूं तो। चलो जो मैं अभी बोला था उसको छोड़ा क्यों करो, इसी मेथड को फॉलो कर लो, बेसिक मेथड को फॉलो कर लेते हैं। y कितना है, यहां से x निकालो जल्दी से, x कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 अपॉन आई थिंक y माइनस 1, बस आ गया। अब x को डिले होने के लिए एक ही चीज है, ये y मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 1। मैं जो पहले बोलने की कोशिश कर रहा था उसको देखो, अब यहां पर मुझे पता है कि y जीरो नहीं हो सकता, इस पर इसमें सिमिलैरिटी की बस एक 1 ऐड हो चुका है तो ये जीरो नहीं हो सकता, तो ये 1 ऐड कर लो तो ये 1 नहीं होना चाहिए, बस ये सिमिलैरिटी की मैं बात कर रहा था। ठीक है, तो यहां पे रेंज क्या मिलेगी, ऑल रियल एक्सेप्ट 1, दैट इज वाई मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 1, सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं रैशनल फंक्शन में। सो लेट्स से वी है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x, अब ऊपर डिग्री 2 होगी, नीचे डिग्री 1 हो गई, ये भी बड़ा सिंपल है। ठीक है, यहां पे मैं छोटा सा एक काम ये कर सकता हूं कि इसको डिवाइड कर देते, ये कितना है x प्लस 1 अपॉन x। अच्छा चलो, वैसे तो ये आपका यहां पे आपको दिख रहा है रैशनल फंक्शन, सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख लिया x प्लस 1 बाय x को, अगर मैं देखू एल्जेब्रिकली तो मुझे नजर आता है x प्लस 1 बाय x एंड नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। ठीक, इसके बारे में तुमने बहुत कुछ पढ़ रखा आई थिंक, सबसे पहले मैं डोमेन लिख दू अभी यहां पे, डोमेन क्या है, वही अगेन ये एक्स मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। हाँ चलो वापस आता हूं, मुझे रेंज पता करनी है, ठीक है, एल्जेब्रिकल अप्रोच तो है ही मेरे पास, उसके अलावा पहले अगर मैं एज इट इज देखूं कि मैं कैसे निकाल सकता हूं, क्योंकि मुझे यहां पे क्या नजर आ रहा है, x प्लस 1 बाय x नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। मुझे पता है हमने AMGM से पढ़ा था कि अगर तो ये x होता है पॉजिटिव, अगर तो x हुआ पॉजिटिव, ठीक है, तो नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज ऑलवेज, दिस y विल ऑलवेज कम आउट टू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ठीक, और अगर तो ये सेम हुआ नेगेटिव तो बस मुझे बस माइनस लगा देना है, मुझे पता है कि फिर उस केस में y क्या होता है, ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू -2। ये जो बातें मैं यहां पे बोल रहा हूं ये हमने कहीं ना कहीं क्लास 11th में देखी है। ठीक, अब थोड़ा सा मैं पहले ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं इसका, कि ग्राफ कैसा बन के आएगा, फिर मैं आपको इसकी जो बेसिक स्टैंडर्ड अप्रोच है वहां पे लेके जाऊंगा। जरूरी नहीं है कि आपका हर एक फंक्शन इस तरीके से कन्वर्ट हो जाए, बट क्योंकि अब देखो ये तुम लोगों ने से डिसाइड करना है कि प्रॉब्लम तुम्हारे सामने आती है कि तुम उसको कितना सिंपल वे से देख सकते हो और हैंडल कर सकते हो, बाकी बेसिक और स्टैंडर्ड चीज को तो हम लर्न करेंगे। ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, अब मुझे पता है क्या बात है, जीरो तो डोमेन में नहीं है, तो जीरो के आगे पॉजिटिव है जब एक्स, तो मिनिमम वैल्यू कितनी आती है 2 आती है, आती कब है, एएमजीएम इक्वल कब होते, जब दोनों इक्वल होते हैं तो एक्स 1 बाय x इक्वल कब मिलेंगे, 1 पे मिलेंगे, तो 1 पे इसकी मिनिमम वैल्यू मिलेगी 2। ठीक है, फिर उसके बाद ये आपका इंफिनिटी से आता है, 1 मिनिमम 2 लेता है, वापस इंफिनिटी चला जाता है। ठीक है, सिमिलरली लेफ्ट पे देखूं तो -1 पे क्या आता है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू -2 आती है, और ये आपका -2 आता है, यहां पे ये इंफिनिटी है और ये कुछ इस तरीके का, ठीक है, दिस वैल्यूज -2, इस तरीके का कुछ इसका ग्राफ बनता है। ठीक है, दिस इज द पॉइंट ऑफ
मिनिमा, दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये कुछ कैलकुलस के कंसेप्ट हैं, ठीक है। मैंने फिलहाल बस ये एल्जेब्रिकली वैल्यूज को देखा, नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, अगर पॉजिटिव है तो मिनिमम 2 आएगा, उसके बाद 2 से बड़ा होगा, और अगर नेगेटिव है तो मैक्सिमम -2 होगा या फिर नीचे -∞ को जाएगा, ठीक है। चलो मैं इसकी स्टैंडर्ड अप्रोच को देख लेता हूँ, ठीक है, इसको लर्न करो। ये हम यूज करेंगे यहाँ पे, ऊपर को भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गए तो क्वाड्रेटिक का यूज करने वाले। नाउ लेट्स से बेसिक अप्रोच क्या थी, x निकालना है यहां से, तो मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक। x में अब ये जो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिख रहा है, मुझे पता है कि x कोई रियल नंबर है, अब क्वाड्रेटिक है तो यहां से फिर रियल रूट चाहिए मुझे, क्योंकि x रियल है, तो रियल रूट की कंडीशन क्या होती है, दैट डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बस वो लगा दो यहां से जल्दी से, ठीक है। यहां से क्या देखता हूं, डिस्क्रिमिनेंट में क्या मिलेगा, दैट इज y स्क्वायर माइनस 4 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉल्व करो उसको आगे, क्या मिल रहा है मेरे को, y माइनस 2 y प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ओके। इनइक्वालिटी बन गई सिंपल सी, ये आपका 2, ये आपका माइनस 2, और हमें दिख रहा है पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि ये वैल्यूज लेस देन, और दूसरा ये वैल्यूज, तो साफ दिख रहा है y क्या मिल रहा है आपको, या तो 2 से बड़ा या माइनस 2 से छोटा, सो अगेन मेरा क्या मिल रहा है, माइनस इंफिनिटी से माइनस 2 यूनियन 2 से इंफिनिटी, वही रेंज जो यहां पर हमें ग्राफिकली भी नजर आ रही है और जो हमने इस मेथड से भी देखी थी कि वाई या तो 2 से बड़ा होगा या तो माइनस 2 से छोटा होगा, माइनस इंफिनिटी से माइनस 2, 2 से इंफिनिटी। ये जो अप्रोच है इसको फॉलो करो, ये हमें फॉलो करनी है, बेसिक स्टैंडर्ड अप्रोच है। अगर उसमें कुछ शॉर्टकट नजर आता है तो वो फिर क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, वो अब हमारे देखने के ऊपर है कि हम उसको देख पाते हैं कि नहीं देख पाते, ठीक। चलो आगे कुछ एक आधा एग्जाम्पल और लेता हूं, इसी जो स्टैंडर्ड अप्रोच को मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहता हूं ताकि थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। देखो अभी जो मैं बता रहा हूं उसको फॉलो करो, जैसे मैंने यहाँ पे एक ग्राफ बना दिया, ग्राफ कितनी टेंशन मत लो, ठीक है, ये नहीं है कि हर एक काम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, बट जितने ड्रॉ कर सकते हैं हम साथ साथ में ड्रॉ करते जाएंगे, और बेसिकली रैशनल फंक्शन के जो ग्राफ्स है ना इनको मैं स्पेसिफिकली डिस्कस करूंगा आगे आने वाले इस फंक्शन के जस्ट एंड में, हम ग्राफ्स करके दोबारा एक बार पढ़ेंगे और सारे फंक्शन पे ग्राफ्स जो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन है उनको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले, तो ठीक है, तो इतना आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ग्राफ नहीं भी कुछ समझ में आ रहा है या ग्राफ नहीं समझ पल्ले पड़ा तो कोई टेंशन नहीं है, एल्जेब्रिकल अप्रोच को जरूर फॉलो करो, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें हम देखते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वी हैव दिस सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं एक और मैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड इन डिनोमिनेटर आई हैव एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, बेसिक अप्रोच को फॉलो करेंगे, ठीक है। यहां से उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या मिलता है, मगर यहां से लेके आ जाओ तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बन जाएगा आपका वाई माइनस 1 प्लस एक्स का कोएफिशिएंट बन जाएगा आई थिंक माइनस वाई माइनस 1 और ये बन जाएगा वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0, आई थिंक ये फॉलो करा, बस मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा और एक्स में क्वाड्रेटिक को एक्सप्रेस कर लिया। और वही डोमेन की बात करें तो मुझे इसको क्या करना था, मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, ये आप एक्सप्रेशन देखो इसका डी नेगेटिव नजर आ रहा है साफ, तो ये तो कभी 0 है ही नहीं है, दैट मीन्स कि ये कभी 0 नहीं है, तो फिर डोमेन क्या होगी आपकी, ऑल रियल, ठीक है। चलो आगे ये जो स्टेप्स हैं ये हम किस लिए कर रहे हैं, ये हम कर ले रेंज निकालने के लिए, ठीक है, तो ये बेसिकली रेंज निकालने का मेथड है। अब एक्स क्योंकि रियल है तो वही डी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उसको मैं करता हूं तो यहां पे मेरे को मिलता है ये माइनस माइनस कॉमन लेके प्लस हो जाएगा, सो वाई प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये बन गया y माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहां पे आपके फैक्टर बन रहे हैं मेरे ख्याल से आसानी से, दैट इज y प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स y माइनस 1 एंड आई हैव y प्लस 1 माइनस 2 टाइम्स y माइनस 1
greater than equal to 0, ठीक, तो यहां से मेरे को मिला ये 3y माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, और यहां से मेरे को मिल रहा कितना माइनस का y और प्लस का 3 greater than equal to 0, यहां से मैं माइनस कॉमा ले लेता हूं तो मेरे को मिलता है 3y माइनस 1 एंड y माइनस 3 नेग माइनस लेस देन इक्वल टू 0, माइनस कॉमन लिया बेसिकली माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी चेंज होगी। अब हमारे पास इनइक्वालिटी क्या बचती है, दिस इज 1/3 दिस इज 3, तो ये आपका आ गया नेगेटिव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव हमें क्या चाहिए लेस देन इक्वल टू 0, तो हमें क्या मिल रहा है ये पार्ट मिल रहा है, ठीक है, दैट इज y बिलोंग्स टू 1/3 टू 3, सो दिस इज योर